सो हेलो हिप हॉप के दीवानों, कैसे हो भाई हो आप सब। आज फिर शुरू करते हैं हसल 3 से। सो यस, जैसा कि एक कंटेस्टेंट को टिकट टू फिनाले मिलने वाला था, सो वो टिकट मृणाल को मिल चुकी है। सो वो फाइनल्स तक कहीं नहीं जा रही हैं। इसके अलावा हसल 3 से आज पोएट शाफ एंड विश दोनों एविक्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आर्या भाई की एल्बम आउट हुई है, जिनकी कलमकार से EP आई थी। खैर उनकी एल्बम का नाम है अमर, जिसमें काफी कोलैब भी है। बिग स्क्रैच एंड तैमूर बेग के साथ भी कोलैब है। मैं आपको गुलाब ट्रैक सुनाता हूँ, जिसमें तैमूर बेग की फीचरिंग है। थे पर अब चुभते हैं तुझे गुलाब ये जिंदगी, तुझसे बहुत गिले, कितने लोग मिले जिनसे सोग मिले, और दर्द बेहिसाब मुझे रोज मिले, और उस दर्द के पीछे पुराने दोस्त मिले। सो यस, फुल एल्बम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर से पूरी एल्बम सुनना, आपको पसंद आएगी। बढ़ते आगे, तो कृष्णा ने अपना स्पॉटिफाई रैप शेयर कराए, उनको 186 मिलियन स्ट्रीम्स आए हैं। कुछ पिक्चर्स भी शेयर करी हैं, उन्होंने कलर करवा लिया है बालों में, उस बारे में बात करेंगे। बट उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा है #2024 #cashflowcrish। खैर बात कर लेते उनके बालों की। सो जो उनका मुंहफाड़ के लिए डिस था, सुनहरे रंग के जलपरी बाल वाले, तो हर कोई उन्हीं की लाइन अभी उन पे ही मार रहा है। सब शॉक हो गए कृष्णा का नया लुक देख के। इवन ऑनकोर ने भी कमेंट करा है, गोल्डी भाई। बढ़ते हैं आगे, तो रफ्तार का रीसेंट में शो था, उनके एक फैन ने एक रील शेयर करी। बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे ठीक सामने वैनिटी में मेरा आइडल है, मेरे बचपन का आइडल है। एंड इस पे रफ्तार ने कमेंट करा है एंड कहा है, फिर कभी मिलेंगे तो सीने से लगना चीते। नेक्स्ट अपडेट, MC स्क्वायर से उनके रीसेंट इंटरव्यू में पूछा गया कि रफ्तार, कृष्णा एंड सीधे मौत में से किस पे लिरिकल सुप्रीमेसी है। MC स्क्वायर ने क्या कहा है वो आप लोग देख लो। ये बताएं, इसमें से आपको एक ही चूज करना है कि हु हैज लिरिकल सुप्रीमेसी, कृष्णा, सीधे मौत या फिर रफ्तार। लिरिकल सुप्रीमेसी अगर मैं कहूंगा तो पता है लिरिकल भी ना एक अलग अलग काइंड के होते हैं। मतलब अगर मैं बताऊं, पहले एक एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद मैं अपना जवाब। जरूर जरूर। तो मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं कि सीधे मौत जो लिरिकल करता है वो स्लैंग्स, जो हमारे यहाँ के नॉर्थ के जो स्लैंग होते हैं ना, तो दिल्ली NCR के जो स्लैंग्स है जिनसे लोग रिलेट फील करते हैं, और उन स्लैंग्स को मतलब हर कोई नहीं जानता, निकालना अंदर से ना बहुत बड़ी चीज होती है। तो गुस्सी भर देना और ये सब भर देना, ये स्लैंग्स है हमारे यहाँ के। तो सीधे मौत उस काइंड में बहुत तगड़े लिरिकल है। और रफ्तार भैया भी अच्छे लिरिकल है। रफ्तार भैया किस तरीके से लिरिकल है यार, रफ्तार भैया एक तो बहुत वहां से आते हैं जहां छोटे छोटे से ना, तब से हम उनको सुनते आ रहे हैं, और तब से अब तक मतलब वो रिलेटेबल फैक्टर बहुत है उनकी रैप्स में, रिलेटेबल फैक्टर बहुत है। ऊपर से यार मतलब आप देखोगे रफ्तार भैया ना वैसे साउथ से, दिलीप नैयर नाम है उनका, और वो दिल्ली के स्लैंग्स मतलब करना, हरियाणवी में करना, वो इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, मतलब उनसे ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट कौन ही करता होगा, उनसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट अगर देखा जाए तो। वो बॉलीवुड के गाने भी कर लेते हैं, वो हिप हॉप के नॉर्मल हिंदी ट्रैक्स भी कर लेते हैं, वो हरियाणवी में भी कर लेते हैं, पंजाबी में भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हो, तो वो एक अलग लेवल पे रिलेटेबल है। और फिर कृष्णा भाई का जो लिरिकल है वो है साइंटिफिक लिरिकल, जिसमें साइंस लगानी पड़ती है ना, रिसर्च करे, वो वाला लिरिकल है। तो डिपेंड करता आप कौन सा लिरिकल मतलब बेस्ट मानते हो, पर अगर मैं मानू इसको, अगर मैं एक स्पोर्ट मानूंगा और इसको मैं पढ़ाई मानूंगा रैप को, तो मैं कहूंगा कृष्णा इज वे मोर लिरिकल देन। ओके, बढ़ते हैं आगे, तो करण औजला ने भी अपना स्पॉटिफाई रैप शेयर करा है, उनको 969 मिलियन स्ट्रीम्स आए हैं। इसके अलावा डिवाइन को यूट्यूब पे 2.8 बिलियन व्यूज आए हैं, कृष्णा को यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 18 करोड़ व्यूज आए हैं। तो बस यार, इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।